Hi, this is Neeraj Gargal and you are watching class 10th chapter 8 trigonometry. Evaluate sine 60 degree cos 30 degree plus sine 30 degree cos 60 degree. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारी बुक में दी हुई है वो लर्न होनी चाहिए, और उसको लर्न करने के लिए बहुत ही इजी होता है कि देखो साइन की अगर तुमने वैल्यूज याद कर ली तो सारी वैल्यूज याद हो जाती हैं। चलो एक बार समझा देते हैं कैसे लर्न करते हैं। देखो ये 0 डिग्री है, ये 30, देन 45 एंड 60 एंड देन 90, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया साइन और कॉस, क्योंकि अभी हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कॉस चाहिए, तो उसी से हम काम चला लेते हैं। यहाँ हमने लिख लिया साइन और यहाँ लिख दिया कॉस, ठीक है। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, और 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। अब कॉस और साइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये वाला 1 आ गया 0 पर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, ठीक है। और ये 60 वाला कॉस 30 में आ जाता है, तो मतलब ये √3/2 हो गया। साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होते हैं, और साइन 30 कॉस 60 में आ जाएगा, और ये 90 में आ जाएगा जो 0 है। तो मतलब बहुत इजी होती है लर्न करनी, ठीक है। तो वैल्यू डाल देते हैं, साइन 60 कितना है √3/2, और कॉस 30 में उतना ही है √3/2। साइन 30 कितना है 1/2, और कॉस 60 कितना है वो भी 1/2। अब √3 × √3 3, और 2 × 2 4, प्लस ये आ गया 1/4, मतलब कि ये हो गया 4/4, और ये कैंसिल होके हमारा आंसर आ गया 1। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।